रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब तक कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी यूक्रेन रूस पर भारी तो कभी रूस यूक्रेन पर भारी दिखा। इस बीच दोनों के सीज फायर यानी युद्ध विराम की बातें भी सामने आई, लेकिन अभी भी भयंकर युद्ध जारी है। बल्कि इस बीच दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा हमले कर रहे हैं। इस युद्ध का हासिल क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इन हमलों ने दोनों देशों का और वहां के लोगों और सुविधाओं का जो नुकसान किया है वो साफ साफ दिख रहा है। दोनों ही देशों के हमलों में एक दूसरे के निर्दोष नागरिक मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए और अनाथ हो गए। इन घटनाओं को देख और सुनकर कई देश और वहां के लोग इस युद्ध के रुकने की कामना करने लगे, जबकि उनका इस युद्ध से कोई बड़ा मतलब नहीं है। इन सब के बीच एक सुखद खबर आ रही है कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जबकि इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण के दौरान बातचीत के विचार को खारिज कर दिया था। बीते महीने अगस्त में यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ की, जिसमें हजारों सैनिकों को सीमा पार भेजा गया और कई गांवों पर कब्जा कर लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद ही पुतिन ने कहा था कि बातचीत की कोई बात नहीं हो सकती। अब एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है। उनकी शर्त यह है कि बातचीत 2022 में इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच हुए एक निरस्त सौदे के आधार पर होगी। इस सौदे की शर्तें भी सार्वजनिक नहीं की गई। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बार बार दावा किया कि रूस और यूक्रेन 2022 में ही एक समझौते के करीब थे। ये समझौता रूस द्वारा यूक्रेन में हमला शुरू करने के तुरंत बाद ही होने वाला था। पुतिन ने कहा कि हम एक समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के हस्ताक्षर इस बात की गवाही भी है। पुतिन के मुताबिक इसका मतलब है कि यूक्रेनी पक्ष समझौते से संतुष्ट था। इसके बाद भी समझौता ना हो पाने के पीछे पुतिन ने अमेरिका को दोषी बताया। पुतिन ने कहा कि यह समझौता सिर्फ इसलिए नहीं लागू हुआ क्योंकि उन्हें ऐसा न करने के लिए आदेश दिया गया था। रूसी राष्ट्रपति ने कहा क्योंकि अमेरिका और अभिजात वर्ग के कुछ यूरोपीय देश रूस की रणनीतिक हार चाहते थे। हालांकि युद्ध के मैदान की अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी तक कोई भी देश पूर्ण हार या जीत की स्थिति में नहीं है, लेकिन यदि रूस की पहल काम करती है और बातचीत से युद्ध रुकता है तो ये विश्व के साथ साथ उन दोनों देशों के लिए और वहां की परेशान जनता के लिए बड़ी राहत होगी।